हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल एंड्रो गेमर्स में। और आज मैं आज को एक फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अपरिचित। ये बंदा इतने फ्रॉड कर रहा है, मतलब कि आपकी आईडीज लेगा, ऐसी पोस्टें डालेगा, ऑल एनी वन नीड ऑफ हीरो और लेजेंड मैसेज मी, आप लोगों से आपके आईडी क्रेडेंशियल्स लेगा, खास करके जीमेल आईडीज, फेसबुक आईडी नहीं, जीमेल आईडीज, और फिर आपके एक एक करके प्लेयर डिस्कार्ड करेगा और आपसे पैसे मांगेगा। यही इसका धंधा है भाई। ये मेरे दो फ्रेंड्स ने इसकी रिपोर्ट की है अभी लेजेंड आईडी फॉर सेल। आगे जाके मैं आपको चैट दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी पोस्ट, देखिए लेजेंड आईडी फॉर सेल, देखिए किस प्रकार से ये ठग रहा है प्लेयर्स को। मैं आपको बार बार यही बताता हूँ, पहले मैंने आपको बताया था कि भाई सस्ते हैकर से बच के रहो, फिर भी आप लोग मुझे ही बुरा बोलते हो। तो अब आप देख लीजिए आपके सामने है क्या हाल होने वाला है आपका। कई लोगों का जीमेल आईडी में पर्सनल डाटा भी होता है, गूगल फोटोज़ होती हैं। अब आपको मैं इसकी दूसरी पोस्ट दिखाता हूँ। देखिए ये 3 महीने में ये 75,000 रुपये कमा चुका है, मैंने मुझे किसी ने बताया। ये देखिए बांग्लादेश का 25,000 टका, पाकिस्तान का 48,000 रुपया और इंडिया का 22,000। ये सिर्फ लेजेंड ट्रिक, पल्ले इसके कुछ भी नहीं है, खाली ये ट्रिक बताने के 50,000 रुपये ले रहा है कई पाकिस्तानी और यहाँ पर इंडिया के 22,000 रुपीस। तो बस यही मैं आपको आगाह करने वाला हूँ। आगे जाके मैं आपको चैट दिखाता हूँ। ये देखिए मुझे किसी फ्रेंड ने चैट का स्क्रीनशॉट भेजा है। ये देखिए 20,000 रुपये बंदे ने पहले ही लगाया है लीगली, और उसने थोड़ा लालच किया मुझे सस्ते प्लेयर मिल जाएंगे। ये देखिए अब उसे वो ब्लैकमेल कर रहा है, बोल रहा है मैं एक एक करके तुम्हारे सारे प्लेयर डिस्कार्ड कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो। देखिए किस प्रकार से ह्यूमिलेट किया हुआ है। और एक और फ्रेंड ने स्क्रीनशॉट भेजा, ये देखिए उसका पासवर्ड 4 घंटे पहले चेंज हो गया, प्लेयर ऐड नहीं हुए, पैसे नहीं दिए, 4 घंटे बाद उसका, ये देखिए क्या हाल कर दिया उसकी आईडी का। मैंने भी उससे चैट की, मेरे कुछ फ्रेंड ने ये चैट, देखिए मैंने उसे हेलो का मैसेज किया, मैंने 3-4 प्लेयर का डिमांड की, और ये देखिए 500 रुपये में भाई ने मुझे आराम से थमाने के लिए दे। ये देखिए 20,000+ मैंने बोला मैं दे चुका हूँ, इसका नंबर मैं शो नहीं कर सकता आपको, उसने नंबर भी शेयर किया था, 3-4 नंबर है इसके। फाइनली मैंने इसे पकड़ ही लिया। ये वाला तो इसने गूगल पे नंबर दिया था, ये गूगल पे का नंबर तो इसका चलता ही नहीं नीचे। मैंने उसे बोला मेरे एक मैच है, मुझे आईडी चाहिए अभी, बोल रहा है एफपी की या जीमेल की। मैंने जीमेल जान कुछ के डिमांड किया क्योंकि मेरे फ्रेंड की जीमेल की आईडी ही ख़राब हुई है, जो इसने हैक की हुई है, इसने अपना नंबर डाल दिया। ये देखिए बोल रहा है 100 रुपये एडवांस देने को, बाकी बोल रहा है बाद में। भाई तू ट्रस्ट क्यों कर रहा है, मैंने कहा है तुझे ट्रस्ट करने को, ये देखो बार बार बोल रहा है। फिर मुझे कुछ आईडीज का स्क्रीनशॉट भेजा जो उसने हैक की हुई है, फ्रेंड्स की ठगी हुई है आईडी। देखो फुल आइडेंटिटी दूंगा भाई, मैंने तेरे से आइडेंटिटी मांगी है क्या? ये देखिए मैंने जानबूझ के पूछा कि मेरे फ्रेंड की आईडी शायद ये मुझे ही भेज दे। ये देखिए मैंने इसे पता भी दिया इसका डिवाइस देख के कि रेडमी नोट 8 प्रो है और तुम्हारा नंबर 93 से एंड होता है, इसने नंबर बता भी दिया, इतना बेवकूफ़ है ये, और बाद में इसने रिमूव भी कर दिया। फिर बोला मुझे रीज़न बताओ तुम्हें क्यों चाहिए, तो फिर इसे समझ आ गया कि सागर या फिर उसके फ्रेंड ने ही दिया होगा। तो मैंने बोला बेटा मंडे तक वेट करो, तो मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बोल रहा है फिर सफाई देने लगा, डर गया ये। मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये देखो वी गॉट अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू इन साइबर फ्रॉड, तो साइबर फ्रॉड में मैंने बोला कंप्लेंट कर दी। फिर एंड में देखिए मैं उसे रिटर्न कर दूंगा, डर भी गया बहुत जल्दी है। तो भाई इस तरह के फ्रॉड से आप लोग बच के रहो, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, कुछ नहीं होगा, बस आपकी आईडी क्रेडेंशियल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार गूगल, आपको भी नहीं पता होगा, गूगल आपका बैकअप में डाटा रख लेता है, जैसे गूगल ड्राइव में आपकी फ़ोटोज़ होंगी, आपकी फैमिली फ़ोटोज़ होंगी, कुछ आपकी पर्सनल गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ, तो भाई वो चीज़ें भी आपकी लीक हो सकती हैं। ऐसे ही अपनी आईडी मत किसी के साथ शेयर किया करो, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ। बाकी भाई आगे आपकी मर्जी है, तो इसके खिलाफ़ हमने एक्शन लिया है। तो अगर आप किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर